फाइनली दोस्तों तमन्ना भाटिया और राशि खन्ना की ब्लॉकबस्टर फिल्म अरनमाई 4 के हिंदी डब वर्जन को थिएटर्स में रिलीज किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अब यह फिल्म हम लोगों को हिंदी में थिएटर्स में देखने को मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इसी फिल्म के हिंदी डबिंग से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे और साथ ही ये फिल्म हम लोगों को हिंदी में कब तक देखने को मिलेगी इस बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप भी इस फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अरनमाई 4 2024 की हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ राशि खन्ना, सुंदर और योगी बाबू लीड रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म में आपको जबरदस्त हॉरर सीन्स देखने को मिलेगा जहां पे हॉरर के साथ साथ थोड़ी बहुत कॉमेडी सीन्स भी देखने को मिलेगा। वहीं बात करें इस फिल्म के अपडेट की तो यह फिल्म अभी हाल ही में थिएटर्स में रिलीज हुई थी जहां पे इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से पॉजिटिव रिव्यू मिला था और यही वजह है कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर लिया है, जिसके साथ यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। वहीं इस फिल्म को IMDb पे 10 में से 6.6 की रेटिंग मिली है। इन्हीं सभी वजहों से हम हिंदी डब फैंस इस फिल्म के हिंदी रिलीज का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो बात करें इस फिल्म की हिंदी डबिंग की तो इस फिल्म के हिंदी डबिंग राइट्स को T3 स्ट्रीमिंग ने खरीदा है और यही वजह है कि इस फिल्म के हिंदी डब ट्रेलर को YouTube पे रिलीज कर दिया गया है, जहां पे इस फिल्म के हिंदी ट्रेलर को रिलायंस एंटरटेनमेंट के YouTube चैनल पे रिलीज किया गया है और इस फिल्म को हिंदी में रिलायंस एंटरटेनमेंट ही रिलीज करवाने वाली है। तो बात करें इस फिल्म के हिंदी रिलीज डेट की तो इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को 31 मई को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म हम लोगों को 31 मई से हिंदी में देखने को मिल जाएगी। तो ये थी इस फिल्म की हिंदी डबिंग से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट। आप क्या इस फिल्म के हिंदी रिलीज का इंतजार कर रही हैं तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिलहाल के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।